जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि लच्छा पराठा हम कैसे बनाते हैं अपने कैफेटेरिया में। तो चले वीडियो शुरू करते हैं, बिना स्किप किए आप लोग देखिएगा। ये एक प्लेट हम लोग को मैदा लेना पड़ता है, ये प्लेट मैदा। इसके साथ साथ हमें एक अंडा चाहिए, कच्चा अंडा इसमें डालना पड़ता है। और ये हमको ऑयल भी डालना पड़ेगा, कम से कम इसमें 20 ग्राम पड़ता है। एक स्पून सॉल्ट। तो मैं ये गूंदने के बाद मैं आपसे 2 या 3 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। ये मशीन हमारी है, मशीन से हमको पूरा मिक्सिंग करना पड़ता है। ये पूरा मशीन है, मशीन से पूरा मिक्स करना पड़ता है। मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा होता है। फिर 2 मिनट के बाद मैं मिलता हूँ। ये हमारा 3 मिनट 4 मिनट लगा है पूरा गूंदने में। अब ये पूरा मैदा हमारा अच्छे से गूंद गए। अब इसमें हमें क्या करना है, तो इसको 10 से 12 मिनट हमें को बाहर रखना पड़ेगा, जब इसको हमने आग पे लगा दें। तो लच्छा पराठा कैसा बनता है हम आपको दिखाएंगे। आप ऐसे ऑयल लगा लें, कोई भी पीस हो आप इसको भर के रखें। अभी मैं मिलता हूँ आपसे 10 मिनट के बाद मिलता हूँ, जब तक ये पूरा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएगा, जब तक हम लोग को ये टच नहीं करना है। तो 10 मिनट के लिए आपको बाहर रखना पड़ेगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि लच्छा पराठा हम लोग को जो हम लोग यूज़ करके रखे रहते हैं, ये 2 घंटे पहले का बना है, तो ये ख़त्म हो चुका है, इसीलिए हमको एक ट्रे और बनाकर रखना पड़ेगा। तो हम अभी आपसे ही बताया दिखाएंगे, तो हम लोग कैसे कटिंग करके बनाते हैं यहाँ आपको निश अभी मैं बता दूँ। ये दिखाइए बस। हाँ, सब्जी सब्जी रेडी का सब्जी सब्जी कहाँ से कहाँ, ये देखिए। हाँ उधर जलने दो उसको। ये पूरा सॉफ्ट हो गया है, अब इसे हमको कट करना है। तो ये पूरा प्रोसेसिंग है, जब हम पराठे को जब गूंदने के बाद यहाँ पे हम रखे थे 10 मिनट हमको था, 10 मिनट में ये पूरा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। अब हम ये क्या किए कि कटिंग कर लिया अलग अलग। अब कट करने के बाद भी हमको फोल्ड करके रखना पड़ेगा। रखने के बाद फिर नियर अबाउट 7 और 6 मिनट के बाद फिर मैं लच्छा पराठों की तैयारी करूँगा। तो आप देखिए कि मैं इसके बाद क्या करता हूँ। नहीं भैया, और आप आराम से इसको दोबारा से हमारे व्यूवर्स को ये देखना चाहिए कि हम लोग लच्छा पराठे की तैयारी कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग से जब देखेंगे ये लोग ना, फिर इन लोगों को आइडिया आएगा कि हम पराठा यहाँ पे कैसे तैयारी करते हैं, किस हिसाब से बनाते हैं। तो ये सब की जो टिक्की है ना, हमें ये टिक्की को ना राउंड करके रखना पड़ेगा। अब ये प्रोसेसिंग करने के बाद हमें फिर 10 से 12 मिनट या 8 मिनट तक की इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर ऐसे टुकड़े हैं ना, टेंशन की बात नहीं है, ऐसे टुकड़े हैं इसी में लगा दीजिए और इसी के फोल्ड करो। अभी देखिए वैसे रेडी हो जाएगा। अगर आप भी दुबई में ऐसा जॉब करना चाहते हैं, तो पराठा मास्टर बनना चाहते हैं, तो पहले आपने पराठा को सीखना पड़ेगा। और यहाँ पे पराठा मास्टर की सैलरी होती है, अमजद भाई ना, यहाँ पे पराठा मास्टर की सैलरी होती है। स्टार्टिंग सैलरी पराठा मास्टर की इसमें 1800 दिरहम होता है, यानी इंडियंस मनी 36,000 रुपया
आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा, 36,000 रुपया स्टार्टिंग सैलरी होती है पराठा मास्टर की सीखने के बाद। लेकिन इसमें बड़ी मेहनत होती है। यहाँ पे सीखने का मतलब पहले बलदिया साफ़ करो, कचरा साफ़ करो, ये फेंको वो फेंको, 4 महीने 5 महीने गुजारो और पराठा मास्टर के साथ दिन गुजारो, टाइम पास करो, उसके बाद ये सीखने के बाद आपको होता है। और ये बहुत अच्छा काम है। जैसे कि हमारे कैफेटेरिया में 2 लोग पराठा मास्टर में बना दिया हूँ, एक अमजद भाई हैं और एक नूर आलम है, 2 लोगों को हमने पराठा का काम सिखा दिया है। तो मैं आज बस ये मैं ये पराठा नहीं बनाता हूँ, मेरे शॉप पे अमजद भाई बनाते हैं पराठा। तो बस आने के लिए आपको दुबई में आना पड़ेगा और आने के बाद आप पराठा मास्टर बने, उसके बाद आप सैलरी उठाएँ। और स्टार्टिंग सैलरी इतनी नहीं होती है। आप कभी भी कोई भी कैफेटेरिया में काम करने के लिए जाएंगे तो आपको 1200 दिरहम दिया जाएगा, जो कि इंडियंस मनी होती है 24,000 रुपया होता है। और जब ये काम आप सीख लेंगे तो 4 से 5 महीने के बाद आपकी सैलरी 1800, 2000, 2200, 2500 यानी 50,000 रुपया कमा सकते हैं। लेकिन आपको दुबई में आना पड़ेगा। अगर आपके मन में ये है कि मैं दुबई में जाऊँ, पराठा मास्टर बनूँ और कैफेटेरिया में काम करूँ, तो कोई मसला नहीं है भाई, मेरे भाई आप मेरे भाई है, कोई मसला नहीं है। बस आपको करना क्या है, आप सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक भी करो, उसके बाद आप आओ, मैं आपकी मदद करूँगा पराठा बनाने में, कोई नशा नहीं। और चलिए मैं दिखता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि टिक्की मैंने हमने रेडी कर लिया है, टोटल एक बाकी है, मैं आपको ये भी दिखा दूँ। मैं पराठा नहीं बनाता हूँ, बस आपको दिखाने के लिए, यहाँ पर आपको पूरे प्रोसेसिंग कराने के लिए बस बना रहा हूँ वीडियो, थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ आपको, आपको शायद पसंद आए। और जितना आपको देखने में मज़ा मिल रहा होगा ना, उतनी इसमें मेहनत है। लेकिन हमारी मुस्कुराहट से आपको एहसास नहीं होगा कि इसमें कितना मेहनत है। ये देखिए ऑयल है, ये पूरा ऑयल है, इसमें गोल्ड स्पून होता है और ऑयल होता है, ठीक है, इसको लगाना होता है। और अमजद भाई जरा इसको हमारा व्यूअर्स को ना इसको जो है ना कैमरा मार दो, हमारा हाथ ना आए, एक मिनट। ये अभी रेडी हो गया है, तो हमने अच्छे से गूंद लिया, कटिंग कर लिया है। तो पहले हमने क्या किया, मैदा लिया हमने, 2 प्लेट मैदा था और 1 अंडे और 1 स्पून नमक यानी सॉल्ट। और ये लगाने के बाद आप जब अंदर आपको मिक्सर मशीन में यानी मिक्स मशीन में आपको पूरा जब गूंदना पड़ेगा, उसी के टाइम में आपको ऑयल डालना पड़ेगा। ऑयल कम से कम 40 ग्राम 30 ग्राम बस इतना बहुत है। उतना ऑयल जब गूंदने के बाद जब रेडी हो जाएगा तो आपने क्या करना है, बाहर रखना है कम से कम आपको 10 मिनट या 6 मिनट या 8 मिनट प्रोसेसिंग उसकी होती है। जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा आप निकालो, फिर निकालने के बाद फिर आपको कटिंग करना है। ऐसे कटिंग करने के बाद आपको टिक्की रेडी करना है। अभी जब टिक्की रेडी हो गई है तो हमें कुछ करना नहीं है इसे। ऐसे कोई आपके पास चीज़ होगी ना, आप इसको ढक दें, ठीक है, आपने इसको क्या करना है, ढक देना है। अब ये जो है प्रोसेसिंग आपको कम से कम 6 से 8 मिनट या 7 मिनट लगता है थोड़ा सॉफ्ट होने में। अब जब सॉफ्ट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगला प्रोसेसिंग इसका क्या है। तो हमारे इस वीडियो को बहुत ही आराम से आप देखें और खुद घर बैठ करके लच्छा पराठा रेडी करें। अगर आप रेस्टोरेंट कैफेटेरिया वाले आप कोई भी हो, लेकिन देख कर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई भी मसला है तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, नहीं भी अच्छा लग रहा है तो कमेंट दियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी 6 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। हमारा टिक्की रेडी हो गया है, तो मैं भी आपको ये दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे इसको बड़ा करते हैं। राउंड करने के बाद ये अगला प्रोसेसिंग आपको, आप ऐसे पकड़ें और ये चीज़ आपकी नीचे रहेगी। ऑयल ज़रूर लगा लें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये हमारा पराठा रेडी है, इसको बोलते हैं लच्छा पराठा। आपको पूरा ऐसे बना करके मैं अभी 2 मिनट के बाद मिलता हूँ, क्योंकि काम ज़्यादा है इसके लिए मैं आपसे बात करता हूँ।
तो दोस्तों हम पराठा लच्छा पराठा हम ऐसे तैयार करते हैं, आप देख सकते हैं ये पराठा लच्छा कैसे तैयार हो, ऐसे ही होता है। तो सलाम वालेकुम, कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा मैन।